नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक, अजमेर से। आज का हमारा ई लेक्चर का टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर में मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है। कंप्यूटर में मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी हम अलग से अटैच करके यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी और अ मेन मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये हमारे मेन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होती है। द प्रोसेसर और द सीपीयू डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। और प्रोसेसर और सीपीयू इसके अंदर डायरेक्ट स्टोर करते हैं और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को लेते हैं। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा रैंडम तरीके से एक्सेस किया जाता है, मतलब कहीं से भी डेटा ले लिया जाता है, सीक्वेंस में नहीं होता है, रैंडमली होता है। दैट मींस एनी लोकेशन ऑफ दिस मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू टू आइदर रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट और टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट। सीपीयू इस मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली स्टोर कर सकता है और डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता है। यानी कि इस मेमोरी को सीपीयू डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। दो टाइप की मेमोरी होती है सीपीयू में, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। रैम के अंदर वो प्रोग्राम और डेटा आता है जो कंप्यूटर अभी यूज़ कर रहा है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न्ड ऑफ कर देते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो चला जाता है। इसलिए इस मेमोरी को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अगर इस मेमोरी में जो डेटा है उसे हम हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो हमें उसको सेव करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ करने से पहले। रैम इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर बीइंग यूज बाय द कंप्यूटर। रैम वो प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर अभी यूज़ कर रहा है। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन द रैम इज़ एम्प्टी। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं यानी कि चालू करते हैं, तब रैम जो होती है हमारी एम्प्टी होती है। डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी पुट इनटू रैम फ्रॉम आइदर इनपुट डिवाइस और बैकिंग स्टोर। और जो भी डेटा प्रोग्राम हम रैम में आ रहा होता है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा आ रहा होता है, और जो भी रैम में डेटा होता है वो चला जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो अगर हम उस डेटा को रखना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर ऑफ करने से पहले उसे हमें सेव करना पड़ेगा। ये हमारा रैम ऐसी दिखती है सिस्टम में। फिर है कि रैम दो टाइप की होती है, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले हम देखेंगे डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ये फिजिकल मेमोरी होती है पर्सनल कंप्यूटर में। जो टर्म होती है डायनेमिक, वो ये बताती है कि ये क्या होती है, अपने आप रिफ्रेश होती रहती है और डेटा इसके अंदर लॉस होता रहता है। रैम इज़ समटाइम्स रेफर टू एस डी रैम, और ये थोड़ी अलग होती है स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम फास्ट होती है और कम वोलेटाइल होती है डायनेमिक रैम के मुकाबले, मतलब उसमें डेटा कम जाता है पर उसके अंदर ज़्यादा पावर चाहिए और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो एस रैम होती है उसका मतलब होता है स्टैटिक रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम पढ़ते हैं एस रैम जो होता है वो फास्ट होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है और ज़्यादा कॉमनली मतलब मोर रिलायबल देन डी रैम। ये ज़्यादा रिलायबल होता है डी रैम के मुकाबले। द टर्म स्टैटिक इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डजेंट नीड टू बी रिफ्रेश लाइक डायनेमिक रैम, है ना। और ये क्या करता है कि ये ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारी रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, नॉन वॉलीटाइल होती है। द कंटेंट ऑफ रोम आर परमानेंट, जो भी कंटेंट होता है रोम का वो परमानेंट होता है। कंप्यूटर ऑफ करने पर भी वो डेटा नहीं जाता है। इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द यूज़र, और हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो इसको चेंज नहीं कर सकते। जब कंप्यूटर कंपनी से बन के आते हैं तब इसके अंदर डेटा फीड होकर आता है। द कंटेंट इज़ रिटर्न ऑन टू द रोम व्हेन इट इज़ फर्स्ट मेड, और रोम के अंदर डेटा तभी डाल दिया जाता है जब इसको बनाते हैं। और
क्रोम उस डेटा को हमेशा रखता है चाहे हम कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर दें, इसलिए इसको कहते हैं ये कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कुछ कंप्यूटर में स्पेशल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रोम के अंदर आते हैं। तो रोम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एम्बेडेड सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्मॉल कंप्यूटर या कंट्रोल डिवाइस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन्स वगैरह में ये एक छोटे से कंट्रोल डिवाइस की तरह लगी होती है, यानी कि इसके अंदर वो प्रोग्राम होता है जो मशीन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ रोम्स हैं, रोम्स जो हैं वो तीन तरीके की होती है, पी रोम, ई रोम, ई प्रोम, मतलब पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और ये प्रोग्राम्ड होती है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है। ई पी रोम क्या होता है, किसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि इरेज हो सकता है। ई पी रोम क्या होता है, इसके अंदर भी एक प्रोग्राम होता है जो कि इरेजेबल है पर इलेक्ट्रॉनिकली वो इरेजेबल है। पी रोम, पी रोम आर मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक चिप ऑन विच डेटा कैन बी रिटन विद अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड अ पी रोम प्रोग्रामर। पी रोम ऐसी चिप होती है जो कि ब्लैंक होती है, ये एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू ही प्रोग्राम की जाती है। फिर है ई पी रोम, इसके अंदर क्या है, इरेजेबल प्रोग्राम है। ऊपर वाली में तो एक बार भी डेटा डाल दिया तो वो इरेज नहीं होगा। नेक्स्ट ई पी रोम में क्या होता है, जो हमने डेटा डाला है, जो प्रोग्राम डाला है, उसको हम इरेज तो कर सकते हैं पर इसके अंदर डेटा क्या हो जाता है, पहले से ही लिखा जाता है। अ री राइटेबल मेमोरी चिप यानी कि इसके अंदर हम बार बार राइट कर सकते हैं। दैट होल्ड इट्स कंटेंट विदाउट पावर, जिसके अंदर डेटा हमेशा रहता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी। ई पी रोम चिप आर रिटन ऑन अ एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग डिवाइस बिफोर बींग प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड, इसके अंदर डेटा पहले से ही डाला जाता है फिर इसको मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। फिर है ई पी रोम यानी कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता है इसका डेटा, जो इसके अंदर प्रोग्राम है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इरेज कर सकते हैं। ये भी एक री राइटेबल मेमोरी चिप है जिसके अंदर डेटा रहता है भले ही पावर हो या ना हो। ई पी रोम आर टिपिकली यूज ऑन सर्किट बोर्ड टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा, इसके अंदर क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इसको सर्किट बोर्ड पर लगा कर यूज़ करते हैं। फिर है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, अब तक जो भी हमने पढ़ी वो थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है। रैम और रोम कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी हमें अलग से कंप्यूटर में लगानी पड़ती है ताकि हम डेटा स्टोर कर सकें। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे कुछ सेकेंडरी मेमोरीज के डायग्राम हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, ये सब। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और ये स्टोरेज के काम आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम अलग से जोड़ते हैं और इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता यानी कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले, और जब हमें ज़रूरत है तो हम इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा बड़ी सेकेंडरी मेमोरी लगा लेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो फोर टाइप की होती है। पहली है मैग्नेटिक टेप, जो बहुत पहले यूज़ आती थी, आजकल इतनी यूज़ नहीं आती है। मैग्नेटिक डिस्क यानी कि फ्लॉपी डिस्क है, वो भी आजकल यूज़ नहीं आती है। ऑप्टिकल डिस्क में आती है हमारी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं। और एक होती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप, तो डायग्राम में आपको दिख ही रहा है ये रील जैसी चीज़ होती थी, जो हमारे पुराने टेप होते थे उनकी जैसी कैसेट होती थी ना, उसमें जो काली सी रील होती थी जिसके ऊपर किसकी कोटिंग होती थी, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती थी, वो होती थी मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती थी। इसके अंदर एक प्लास्टिक का रिबन होता था, उस प्लास्टिक के रिबन के ऊपर क्या होता था, मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पर हम क्या करते थे, डेटा स्टोर करते थे। और डेटा स्टोर करने के लिए हमें हेड लगाते थे, जैसे टेप रिकॉर्डर में, जैसे हमारे टेप में नहीं होता था रिकॉर्ड का बटन ऐसे, तो बिल्कुल वैसे इसके अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह हेड होता है। और इसमें हम कितनी बार भी डेटा लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ते होते थे। तो मैग्नेटिक टेप का डायग्राम हम देख ही रहे हैं। फिर है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो होती थी वो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती थी, एक तो फ्लॉपी डिस्क और एक हार्ड डिस्क ड्राइव।
तो फ्लॉपी डिस्क का तो डायग्राम हम देख ही रहे हैं। पहले फ्लॉपी बहुत ज़्यादा यूज़ आती थी, जिस समय सीडीज़ वगैरह नहीं आती थी। आजकल तो सीपीयू में फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव ही नहीं आती, मतलब ऐसी जगह नहीं आती जहाँ पे हम फ्लॉपी डाल सकें। पहले फ्लॉपी अलग अलग साइज़ में आती थी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, छोटी बड़ी उससे बड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बहुत पतले प्लास्टिक की डिस्क, एक गोले डिस्क, मतलब अगर आप फ्लॉपी आपने कभी देखी होगी तो इस प्लास्टिक कवर के अंदर एक गोल सी पतली सी डिस्क होती थी प्लास्टिक की, और उस पतली सी गोल सी डिस्क को इस कवर के अंदर पैक करते थे। फ्लॉपी डिस्क के बहुत पतले प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक कवर के अंदर बंद रहती है। इस डिस्क पे क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की परत चढ़ी होती थी, चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, और इसको हम कैसा आकार देते थे, फ्लॉपी डिस्क का आकार देते थे। और ये स्टोरेज के आधार पर क्या होती थी, दो प्रकार की होती थी, एक मिनी फ्लॉपी और एक माइक्रो फ्लॉपी। सबसे पहले हम देख रहे हैं मिनी फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का डायमीटर 3.5 इंच का होता था, इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। इसे कंप्यूटर में रीड करने के लिए 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती थी, और ये कितने रेवोल्यूशन पर मिनट लेती थी, 360 रेवोल्यूशन पर मिनट लेती थी, यानी कि 360 चक्कर लगाती थी पर मिनट। फिर है माइक्रो फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी का डायमीटर, ये जो बड़ी वाली फ्लॉपी दिख रही है ब्लैक वाली, वो होती थी माइक्रो फ्लॉपी। इसका डायमीटर होता था 5.5 इंच और इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी 2.88 MB। तो इसके लिए जो हमें डिस्क की ड्राइव या रीडर चाहिए था वो 5.5 इंच का चाहिए था। कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव का इस्तेमाल फ्लॉपी डिस्क के लिए ही होता था। आज भी वर्तमान में ए और बी ड्राइव डिस्क के लिए ही रिजर्व होती है, हालांकि अब इसका प्रयोग बिल्कुल बंद हो चुका है। ये हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का डायग्राम आप देख ही रहे हैं, आप सबने ये देखी होगी। ये हार्ड डिस्क आजकल 2 TB, 4 TB, बहुत सारे उस तक आ चुकी है, 100 TB तक आ चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माता था IBM, जिसने कब बनाई थी हार्ड डिस्क, 1980 में बनाई थी। ये एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है, यानी एल्युमिनियम की बनी हुई डिस्क होती है, जिस पर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, और ये डिस्क बहुत तेज़ घूमती है। इसकी रेवोल्यूशन पर मिनट बहुत ज़्यादा है, यानी कि कितने लेती है, 5200 से 7200 तक रेवोल्यूशन ले लेती है, यानी कि चक्कर काट लेती है एक मिनट में। और ये हार्ड डिस्क जो होती है, इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो सबसे पहले 1980 में जो हार्ड डिस्क आई थी, उसका नाम दिया गया था, मतलब पार्टीशन में उसको नाम मिलता था सी ड्राइव। और आज भी अगर हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो किस में इंस्टॉल होती है, इसी सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है। तो बता, सेकेंडरी मेमोरी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती है स्टोरेज के लिए, वो है हमारी यही हार्ड डिस्क। आज की डेट में 1 TB से लेकर 100 TB तक की हार्ड डिस्क आती है। फिर है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आप लोगों ने CD, DVD ये तो देखी होंगी, ये होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। तो ये क्या होती है, गोल सी डिस्क होती है जो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है, उसकी एक तरफ कोटिंग चढ़ी होती है, जो इसकी चमकती हुई सी साइड होती है ना, जिसपे CD में डेटा होने के बाद वो चमक चली जाती है, वो वाली क्या होती है, उस पर एक लेयर चढ़ी हुई होती है। इस ऑप्टिकल डिस्क में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, ये डेटा राइट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, लेज़र लाइट के थ्रू करते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए हाई स्पीड की लेज़र हाई पावर की लेज़र लाइट चाहिए, और डेटा रीड करने के लिए लो पावर की लेज़र लाइट चाहिए। जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क। आजकल CD भी यूज़ आती हैं, DVD भी यूज़ आती है, ब्लूरे डिस्क भी आती है। स्टोरेज आपको डेटा कितना स्टोर करना है उस हिसाब से सेलेक्ट होती है, CD में कम होती है, DVD में उससे ज़्यादा होती है, और ब्लूरे डिस्क में उससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। ये CD, DVD, ब्लूरे डिस्क ऑलमोस्ट सेम सी दिखती हैं। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी क्षमता हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है, ये 700 MB डेटा स्टोर कर सकता है, यानी कि हम 700 MB डेटा CD में रख सकते हैं, और CD में डेटा 30 सालों तक रह सकता है, बस इस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है, पर इसमें भी स्क्रैच लगने पर डेटा ख़राब हो जाता है। फिर है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क देखने में CD और DVD की तरह ही होती है, पर इसके अंदर डेटा रीड और राइट करने के लिए हमें बैंगनी कलर की
किरण की ज़रूरत पड़ती है इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लू रे डिस्क, यानी ब्लू लेज़र लाइट की ज़रूरत पड़ती है इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लू रे डिस्क। और इसके अंदर ब्लू रे यूज़ करने की वजह से ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी कि 50 GB तक का डेटा हम डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। ये है हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आज के डेट में हम हर कोई इसे यूज़ कर रहा होता है, इसके अंदर डेटा डाल के हम कहीं पे भी अपने साथ लेकर घूम सकते हैं। तो ये वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी डिवाइस जो यूज़ आ रही है वो है पेन ड्राइव। ये कंफर्टेबल होती है। CD या DVD को हम जेब में लेकर तो घूम नहीं सकते, पर इसको हम आराम से जेब में लेकर घूम सकते हैं। इसमें स्क्रैचेस की भी दिक्कत नहीं रहती है, और जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इस USB फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम कितनी बार भी डेटा डाल सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके अंदर हम डेटा ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हम इसके अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चार तरीके की सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक और वो ऑप्टिकल डिस्क और ये USB फ्लैश ड्राइव, ये सारी हमने पढ़ी। थैंक यू।